आईएएस बनना एक बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि जो कोई भी उठाए और बन जाए। हम मानते हैं कि आईएएस बनने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी होगी, आपको आईएएस बनने के लिए एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपके जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु आपको ये बताएगा कि किस समय आपको आईएएस की कौन सी तैयारी करनी है, प्रारंभिक परीक्षा की कब तैयारी करनी है, मुख्य परीक्षा की कब तैयारी करनी है, कब आपको पेपर्स लगाने हैं, कब आपको निबंध लिखना है, कब आपको जीएस पढ़ना है, कब क्या करना है, कब आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसलिए आपको आईएएस की तैयारी करते समय गाइड बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। क्या सर, 12वीं पास होने के बाद भी हम आईएएस बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? आपको 12वीं पास होने के बाद कोई भी ग्रेजुएशन करनी होगी। क्या सर, साइंस और आर्ट वाले या हम साइंस या आर्ट से ही आईएएस बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर साइंस से ग्रेजुएशन है, एमएससी बीएससी कुछ भी हो, तो आप तब भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। अगर आपने आर्ट से बीए वगैरह किया है, कुछ भी किया है, तो आप तब भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। क्या सर, अगर हमारी अच्छी परसेंटेज नहीं है, अच्छी परसेंटेज से हम पास नहीं है, तब भी हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं या बन सकते हैं? बिल्कुल आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर आप 33% के साथ पास हो, तब भी आप आईएएस की बन सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपके 45% से लेकर 90, 95, 100% तक कोई भी परसेंटेज रही हो, आईएएस बनने के लिए ये कोई भी मायने नहीं रखती। आईएएस की जो तैयारी है वो आपको ये देखती है कि वर्तमान में जो मेरा स्ट्रक्चर है, उसके जो फ्रेम है, उसमें बच्चा ढला है या नहीं ढला है। जो आईएएस की डिमांड है एग्ज़ाम की, वो बच्चे ने मुझे दी है या नहीं दी है। आप कुछ भी रहे हो, आपका पहले कुछ भी रहा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता इस चीज़ से। उस पर कुछ भी प्रतिशत के पास के साथ आप पास हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आईएएस की शुरू तैयारी कैसे शुरू करें? क्या सर, हम बिना कोचिंग के आईएएस बन सकते हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप बिना कोचिंग के भी आईएएस बन सकते हैं। आप चाहो तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एक अच्छे संस्थान पे आप कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग आपकी समय समय पर मदद करता है और कोचिंग आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी कराता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अगर फ्रेश हो, फ्रेशर हो बिल्कुल, अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तो आप कोचिंग का सहारा जरूर ले लीजिएगा। कोचिंग आपका समय बचाता है। अन्यथा अगर आपके कोचिंग की फीस पे करने का वो नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मार्केट से बुक ले सकते हैं और अच्छे अच्छे संस्थान के आप नोट्स भी लेकर पढ़ सकते हैं। क्या सर, कितनी समय लगेगा हमें तैयारी करने में? मेरे प्यारे बच्चों, आपको कम से कम आईएएस की तैयारी के लिए 15 महीने जरूर चाहिए। क्यों चाहिए, कैसे चाहिए? सर, 7 से 8 महीने आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए चाहिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए चाहिए, और इतना ही समय आपको 7 से 8 महीने मुख्य परीक्षा के लिए चाहिए। आप जब प्रारंभिक परीक्षा का समय आ जाए, पूर्ण रूप से प्रारंभिक परीक्षा को समर्पित हो जाइएगा, इधर उधर का सब कुछ भूल जाइएगा। राइटिंग स्किल पर भी ध्यान मत दीजिएगा, ना राइटिंग लिखिएगा, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ पूर्ण रूप से प्रारंभिक परीक्षा पे आप ध्यान दीजिएगा और देखना आप सफल होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आपकी कंप्लीट होती है, एग्जाम हो जाता है, तो आप तुरंत राइटिंग स्किल और मुख्य परीक्षा पे लग जाइएगा। उसमें आप नोट्स पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा और आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और आप करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। करंट अफेयर आप कम से कम 3 रिवाइज लीजिएगा, हफ्ते का रिवाइज, 15 दिन का और मंथली रिवाइज आपको जरूर चाहिएगा। ये मुख्य परीक्षा है। इसके बाद आप मुख्य परीक्षा पर पूर्ण फोकस करिएगा, रोज कम से कम आप ज़्यादा भी नहीं 3 से 4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। एक पेपर रोज सॉल्व करिएगा आप मुख्य परीक्षा का, तब देखना आपका राइटिंग कितनी बेहतर होती है। और एग्ज़ाम में ये माना जाता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें मुख्य परीक्षा में
आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आते, ईमानदारी के साथ आप 100% अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आपको इतना तो हो सकता है कि रैंक थोड़ी बहुत कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन आप लेकर आएंगे। इसके बाद सर क्या हम एक साल में आईएएस बन सकते हैं? आईएएस बन सकते हैं, जी हाँ, आप एक साल में आईएएस बन सकते हैं। आपको एक साल ही सही तैयारी के लिए चाहिए, 1 से 1.5 साल आपके पूरी प्रक्रिया में लग जाता है, 18 महीने आपका तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक और ट्रेनिंग तक पूरे 18 महीने का कोर्स रहता है ये टोटल। 1 वर्ष में आईएएस टॉपर बन सकते हैं? जी हाँ, आप 1 वर्ष में आईएएस टॉपर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए टीना डाबी, सा फैसल, श्रुति शर्मा और भी बहुत है, ठीक है, तो आप 1 साल में आईएएस बन सकते हैं। क्या सर आईएएस में इंग्लिश वाले ही टॉपर बनते हैं? जी नहीं, आपका चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी बस चीज़ों पे बेहतर पकड़ होनी ज़रूरी है, वही आईएएस बनता है। इतना हो सकता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा आपको समस्या आ सकती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, आप भी आईएएस बन सकते हैं। एग्जाम पास करने के बाद सर क्या होगा, कहाँ जाएंगे? जब आपका यूपीएससी एग्ज़ाम पास करा देती है, इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो आपको मसूरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ से आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग में आपको जो सिखाया जाता है उसका एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद आप एक आपका पेपर होता है, वो आपको पास करना ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग के बाद सर हम कहाँ पर जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे? ट्रेनिंग के बाद आपको भारत भ्रमण पर ले जाया जाएगा, और भारत भ्रमण के बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग देश में, अलग अलग शहरों में घुमाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि अंडर ट्रेनिंग रहते हुए आप काम करेंगे, एसडीएम के पद पर आप कम से कम रहेंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सीडीओ बनेंगे, मुख्य विकास अधिकारी, डीएम से नीचे की पोस्ट होती है, उसके बाद आप डीएम बनेंगे, डीएम के बाद आप कमिश्नर भी बन सकते हैं और अदर कहीं भी जा सकते हैं, बाकी उसके बाद आप सचिव बनेंगे, सचिव के बाद मुख्य सचिव बनेंगे, फिर हो सकता है आपके अगर एज कम है तो कैबिनेट सचिव बन जाए, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। तो फिर ये सब चीज़ों की आपकी एक प्रक्रिया रहती है आईएएस बनने से लेकर तैयारी तक और आपकी फाइनली उस तक। क्या सर आईएएस में सैलरी कितनी होती है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आईएएस की जो सैलरी है वो कोई ज़्यादा नहीं है, जो जितना बड़ा पद है इतनी बड़ी सैलरी नहीं है, लेकिन आईएएस में आप किस लिए जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि आईएएस बनकर हम एक बेहतर प्रकार से जो समस्या है समाज में उनका समाधान कर सके, समाज को समझ सके, और समाज के प्रति जो हमारा योगदान है उसे हम दे सके। बाकी वहाँ पर पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे के लिए आपको इतना बड़ा बंगला दिया जाता है, इतना बड़ा घर दिया जाता है, अगर उसकी वर्तमान में कीमत जोड़ दी जाए तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इतनी बड़े बंगले की कीमत होती है। आपको फ्री में गाड़ी दे दी जाती है, आपको ड्राइवर दिया जाता है, कंडक्टर दिया जाता है, किचन का काम करने वाला दिया जाता है, स्वीपर दिया जाता है, आपको हर तरीके से फैसिलिटी दी जाती है। तो वहाँ पर पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, वहाँ पर जो वैल्यू है वो सम्मान की वैल्यू है, वहाँ पर आपकी पावर की वैल्यू है। तो आप ये सब करते हुए तैयारी करें, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। तो आप अपने धैर्य को बना के रखिए, अपने हौसलों को बना के रखिए, अपने हौसलों पे काबू बना के रखिएगा, अपने हौसलों को पंख लगाइएगा, अपनी उड़ान भरिएगा, अपना लक्ष्य एक साथ रखिएगा, अपने लक्ष्य को एक साथ रख के, अपने लक्ष्य को केंद्रित रख के उस पर काम करिएगा, और देखना आप कितनी जल्दी सफल होते हैं। चलिए, थैंक यू।